We have no way of measuring what a widespread effect Soni would have of just being there as an uncompromising human rights activist. Just her presence, just the possibility that she'll go to a village where a rape has taken place, that she'll go to a police station where a police officer has behaved badly, that she would go to court and take up cases against them. Just the presence of a person who would stand up to injustice no matter what, put a life at risk and the life of a family at risk and stand up to injustice. One has no way of measuring, but I suspect that it has a magnificent, chilling effect on the, you know, tendency of the police and the army to torture and rape and kill. People who are working in the field of human rights in Bastar, they are under quite a lot of pressure because, you know, the state is conducting its counter-insurgency operations without respecting the rule of law. Where Soni operates, it does not have that history of, so civil society doesn't have that history, you know. It has mostly a group of people who have just lived at the edge of the forest exploiting Adivasi people, traders and baniyas and so on, you know. And then, so Soni is the person who's trying to create that now. और टीचर उस जगह पे थी जहाँ मेरा आदिवासी समुदाय हमारा एक इलाका है उस जगह पे मैं एक टीचर का काम कर रही थी तो उस दौरान कई ऐसे मतलब हमारे गांव आदिवासियों को भी पुलिस ने मतलब नक्सल के नाम पे पकड़ के अंदर करना फिर तानों में बैठाना और उस समय कि ये लगता था कि मैं एक बोली भाषा जानती हूँ मैं एक टीचर हूँ तो लोग मुझसे आके बोलते थे कि ये हमारी आदिवासी टीचर है और हमारी रिश्ते संबंधी की टीचर है तो हमको इनका तकलीफ बताना चाहिए ये जाके थोड़ा सा ताने में बात कर सके तो उस लिए मैं जाके थोड़ा बहुत ताना कैंप जाके बस बोलती थी कि इनको आपने क्यों पकड़ा इनको छोड़ दीजिए ना सर ये लोग तो गाँव के लोग हैं खेती किसानी करने वाले इस तरह टीचर में भी रह के थोड़ा बहुत मैं योगदान देती थी करती थी तो अभी बस्तर के लोग बिल्कुल हेल्पलेस हैं कि वो किसके पास जाए ऐसे में सोनी सोरी अब करीब करीब अकेली वहां पर एक ऐसा सोर्स बची है जिसके पास लोग जा सकते हैं और सोनी बहुत हिम्मत के साथ आदिवासियों के पक्ष में खड़ी हो रही है वो उनको लेके कोर्ट में जाती है वो मीडिया तक वो चीजों को पहुंचा रही है तो सोनी एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल वहाँ प्ले कर रही है इस समय और सरकार भी इसीलिए उसके पीछे पड़ी हुई है तो मैं उस समय कम से कम 60 किलोमीटर जाके चल के बच्चों को मैं लेके आई तो वहाँ जब बच्चे से मैंने मिला तो पूरे जंगलों में थे बच्चे उनको एकजुट करके 50 बच्चे जिनके शरीर में बड़े बड़े फोड़े हुए थे मच्छरों से कटा हुआ पूरा शरीर था तो उन बच्चों को मैं बोली कि मैं आप लोगों को स्कूल ले जाना चाहती हूँ मेरा एक हॉस्टल है जो मेरा नहीं है सरकार का है पर उसमें मैं नौकरी करती हूँ तो मैं आप लोगों को उस जगह पे ले जाऊँगी पढ़ने के लिए तो बच्चे ये बोले कि आप आज लेके जा रहे हो लेकिन कल के दिन अगर आप छुट्टी दोगे हम वापस आने के लिए हमारे पास घर नहीं है तो उनको फिर मैं दूसरी बार ये बोला मैं तुम लोगों को तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक आप बड़े हो कि आप निर्भर नहीं बनोगे और खुद के पैरों में नहीं खड़े होगे और अपने हक अधिकार को नहीं जानो तब तक मैं नहीं छोड़ूंगी तुमको एक ऐसी शिक्षा दे के कलम पकड़ के आपको लड़ने का वो चीज़ मैं सिखाऊंगी आप लोग चलो मैं लेके आई इस तरह सारे कुछ कुछ चीज़ों का होते हुए फिर बाद लास्ट में ये सोनी सोरी इतने जंगल के अंदर अपना शिक्षा कैसे चला रही है आश्रम कैसे चला इसका मतलब ये माओवादी को पूरा सप्लाई करती है जिसके कारण इसका आश्रम को माओवादी ने नहीं तोड़ा और ना ही उसको उसकी बात कैसे मान लेकिन सरकार ने कभी ये पता करने की कोशिश नहीं किया कि सोनी सोरी उनके पास बुलाया गया था तो क्या बात की ये किसी ने नहीं पूछा बल्कि मेरे ऊपर आरोप लगता गया उसके बाद पुलिस मेरा पीछा करना चालू की आप बताओ मैडम माओवादी कहाँ रहते हैं कैंप कहाँ है और किस जगह पे मुठभेड़ होने वाला है मैं बोली मैं इसके बारे में नहीं बता सकती
क्योंकि मेरे को नहीं पता, आप शिक्षा के बारे में पूछो, बच्चों के बारे में पूछो, तो पुलिस मुझे बार बार कहीं मीटिंग जाओ तो परेशान करना था, कहीं रास्ते में रोक के मुझे परेशान करना, बहुत परेशान करने लगे। तो 3 महीना 3-4 महीना परेशान किया बहुत ही पुलिस ने। उसके बाद फिर मुझ पर केस लेके आए, बोले मैडम आपके ऊपर 5-5 केस लगा, अगर आप नक्सल के बारे में कुछ बताओगे तो आपके केस को पूरी मतलब आपको माफ़ किया जाएगा। तो मैं बोली कानून तो सबूत मांगता है, मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है तो मेरे को क्या करेंगे, मेरे को ये था। When she was working as a teacher and when she actually resisted the Maoists and you know convinced them not to demolish the ashram that she was you know a warden of, and this is to her credit that she did that in the heights of you know the counter-insurgency operation, and but the very fact that she was able to convince the Maoists that you know you must not demolish my ashram in which there are 200 children, and she did not let another ashram which was 5 kilometers away also, you know, she, you know, saw to it that that was not demolished. So even that went against her, because then the police started questioning that, you know, how come when Maoists have demolished other schools and ashrams in this region, and they did that, of course, because they did not want the police to set up camp there, because that is what was happening during those times. Now in Soni's case, Soni resisted that, but then you know, and for that also she had to face the Maoist threats, because the Maoist said that if you know the police still enters your ashram, you know you will have to come to our people's court, and you'll be answerable. So even from that side she has to face that, and from this side, from the state side, because then she is immediately targeted that. You know, how come the Maoists have allowed you and they have not allowed others? I tried to go to the High Court to get her released on bail, but the High Court didn't release her. And she was taken that night itself. That decision of the High Court had quite a traumatic effect. And she was taken from Delhi to Chhattisgarh, where at night in that police station, that officer sexually assaulted her. 2 दिन के रिमांड में ले जाके मुझे दंतेवाड़ा थाने में रख के, मतलब दूसरे रात में तो अंकित गर्ग जो SP है उसने मुझे इतनी यातनाएं दिलाया, करंट शॉट देना और पूरी निवस्त्र करके मुझे खड़ा रख के मेरे हर अंगों को गाली देना, और मुझे ये कहना कि ये बॉडी जो तुम्हारा जो है ये नक्सल के लिए एक शख्स का वो करवाता है, तो इससे से तुम कुछ करके तुम अपने हॉस्टल चलाती हो और अब बात करती हो बड़े बड़े की नहीं मैं बातचीत करती हूँ, नहीं ये तो सिर्फ अपना बिस्तर देती है, अपने शरीर देती है उनको गर्मा गर्म कर, इस तरह के बहुत सा बात करके मुझे सिगरेट फूक फूक के मेरे मुंह में वो करना, और उसके बाद पूरे निवस्त्र करके मुझे पूरे नंगेपन में बैठाना, फिर वो ही नहीं फिर मेरे गुप्तांगों में जिस तरह से मुझे एक पत्थरें डाला गया, और वो डालते वक्त मतलब इनको बोले कि इसको ये ऐसे करो कि बलात्कार मतलब पूरी तरह इस औरत के साथ करो कि ये औरत शर्म सर से मर जाना चाहिए, और वो सब किया इन्होंने, कि मुझे आज भी बहुत तकलीफ होती है कि कैसे इन्होंने पत्थरें डाला, फिर उसके बाद मैं बेहोश हो गई। सो दे टुक हर टू कोलकाता एंड शी वाज एग्जामिन्ड एंड देन दे केम टू द सुप्रीम कोर्ट एंड गेव द सुप्रीम कोर्ट 2 little boxes व्हिच इफ यू शुक यू कुड हियर द स्टोन्स इनसाइड. And they were the stones that were inserted into Soni Sori's rectum and vagina, deep inside, where it would cause her agony. And that was the turning point in the case, because after that she was looked at very differently in the country. Before that they portrayed her as an extremist, which she was certainly not. She was a victim of state extremism, state terrorism if you like. That officer is today a decorated officer. He won a presidential gallantry medal for his operations in Chhattisgarh. It's very indicative of the nature of our police force and sometimes the nature of our armed forces themselves, that they can be so brutal, so ruthless in their treatment of ordinary people, and particularly indigenous people and tribals. So now what happens is that when the human rights activists, they bring out, you know, these kind of stories outside, then they immediately come under, you know, that kind of pressure from the state. And
you know, from the vigilante groups also. And because you may be pointing at excesses by the police or the paramilitary, therefore immediately the conclusion that they come to is that, you know, therefore you are, you know, on the other side, which is the Maoist side. This characterizing of individuals who are human rights activists as terrorists, environmentalists as eco-terrorists, and so on, to characterize them as terrorists and then try to shoot them or rape them, torture them, is totally unbelievable and unacceptable. Constantly those kind of threats, you know, over the last 3 years she has had to face, where there are, you know, from anonymous letters which have been dropped into the courtyard of her house, threatening her, to, you know, there's always the threat that, you could be, you know, arrested. You know, abusive names they have called, you know, there have been effigy burning. I mean, effigy burning has happened to, you know, many activists. Soni's effigy has also been burned. So this kind of stuff has always, you know, it's part of the sort of repression. Tribal activist and Aam Aadmi Party member Soni Sori was attacked last evening in the Dantewada district of Chhattisgarh. Some unidentified men hurled oil paint at Sori near the Javanga village around 10:30 last night when she, along with her two associates, was heading from Jagdalpur to Dantewada. तो ये लोग ने जितने भी हमको एक कमजोर करने के लिए कोशिश किए करने की उससे साइड टूट जाए उससे बल्कि हमारी ताकत बन गई है तो हम इसलिए हंसते ही जिएंगे और लड़ेंगे वस्त्र के लिए भी हंसते ही लड़ते रहेंगे उसके उसके जान को खतरा है उसकी हत्या कर सकते हैं सरकार उसको फर्जी मामलों में फंसाकर जेल में डाल सकते हैं वो उसकी फैमिली मेंबर्स को अरेस्ट करके जेल में डालकर Soni को प्रेशराइज करने की कोशिश कर सकते हैं सरकार तो कुछ भी कर सकती है और ये बहुत ज़्यादा खतरा है हमें उसकी तरफ उसके ऊपर लगता है जब मेरे केमिकल अटैक होने के बाद जब मैं अस्पताल में थी तब मेरे को ये लग रहा था कि मुझे एक माँ बनना चाहिए क्योंकि आज मेरे बच्चे के लिए खतरे की बात है तो मैं क्या कर रही है निर्णय मेरे को जो सामाजिक के रूप में जो लोगों की लड़ने की बात सोचती हूँ वो करना चाहिए या एक माँ का दर्जा निभाना मतलब मेरे को एक ऐसी सिचुएशन तो आ गया था फिर मैं वापस आने के बाद जब मैं अपनी बेटी से पूछी कि बेटा मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जीवन या तो एक माँ की तरह रहूँ और मैं तुम्हारे लिए कुछ करूँ या फिर मैं पब्लिक के लिए नहीं करूँ क्योंकि इतना कुछ होने के बाद अब मुझे डर लगा क्योंकि जो दर्द को मैंने सहा है झेला है केमिकल का जितने दर्द वो तुम कितने सह पाओगे कल के दिन अगर तुम्हारे साथ हो जाता है कैसे करेंगे तब मेरी मुस्कान ने मुझे कहा आप क्या सोच के जेल से आए थे आप पहले याद कीजिए तो मैंने बोले मैं अपने बच्चे और मेरे तो हमारे हमको तो कर ही रहे हो आप हम आपकी बेटी हैं आपके बच्चे हैं हम डरने वाले में से नहीं हैं आपके साथ जो होगा उससे ज़्यादा भयानक हमारे साथ भी होगा हम जूझने को तैयार हैं तो आपको इतनी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है मम्मी आप जनता के लिए और बस्तर की जो हालत है उसके लिए लड़ना है और आप हमारी ऐसी माँ बनो मतलब अट के कुछ करो क्योंकि मेरे बच्चे का पूरा सपोर्ट है जिसकी ज़रूरत थी तो मुझे अंत तक यही लगता है कि मैं बस्तर का उस मानवता के लिए मैं लड़ते रहूँ Soni इज अ लोकल वुमन हु is representing herself and her own people and that makes her very hard to dismiss you know that makes her very and the more they have tormented her the braver she's become